मेरे दो बच्चे अपने अबू के साथ प्रोटेस्ट वगैरह में जाते थे, तो उनको अपने अबू को, उनको पता है कि उनके अबू क्यों जेल में हैं, उनको पता है ये बात कि उनके अबू किस किन लोगों के लिए किसके लिए आवाज़ उठाते थे, किस क्यों उठाते थे, तो उनको अपने अबू के बारे में सब पता है और उनको उनको कोई शर्म नहीं है कि उनके अबू जेल गए हैं। वो एक मूवी देखी है बच्चों ने मेरे, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, तो अपने अबू को उस तरीके से देखते हैं जेल जाना, भगत सिंह की तरह कि वो जिस तरीके से देश के लिए जेल में गए थे, लोगों के अपने अपने लोगों के लिए जेल में गए थे। आपके बच्चे समझते हैं क्रांतिकारी आज के टाइम में, सुनिए आज के टाइम में भी एक आज़ादी हमें उस टाइम पे मिली थी 1947 में, पर आज जो आज़ादी के लिए हमारे लोग जो ये खालिद, उमर खालिद और शहजील और ये बाकी जितने भी लोग जिनको दंगाई बता के, टेररिस्ट बता के, आतंकवादी बता के जेलों में डाला हुआ है, वो अपने आप में एक क्रांतिकारी हैं। वो लड़ाई लड़ रहे हैं आपके हमारे बोलने के लिए, वो लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे, हम अगर सड़कों पे आके अपने लिए आवाज़ उठा सकते हैं, वो लड़ाई उसके लिए लड़ रहे हैं। हमें जहाँ भी लगता है कि हमारी आवाज़ दूसरों तक पहुँचनी चाहिए, या कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे हम सब लोग शायद भूल तो नहीं जाएं, क्योंकि एक काफ़ी लंबा समय, एक काफ़ी लंबा अरसा निकल गया है इन सब चीज़ों को, 2.5 साल गुजर गए हैं, खालिद 2.5 साल से अरेस्टेड हैं, अंदर हैं, तो हमें जहाँ भी लगता है कि हमारी आवाज़ दूसरों तक पहुँचेगी, और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे हर जगह वहाँ पहुँचते हैं। एक बार जेल में आप एक बार जेल गए थे मिलने के लिए, और अब उन्होंने कहा था कि हम 7 बजे गए थे, मुझे 1 बजे तक मिलने दीजिए, आप पूरी दास्तान बताए थे, क्या पूरा दास्तान है वहाँ, क्या परेशानियाँ हो रही हैं उनको? देखिए जेल एक अपने आप में एक अलग दुनिया है, आप बाहर की चीज़ें सोच के जाएंगे तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। अब खालिद मैं आपको अपनी बताती हूँ, जैसे मेरे को यहाँ से सुबह में निकलना पड़ता है मुलाकात के लिए, तो अंदर जाते जाते मतलब 3 घंटे तो कम से कम लग जाते हैं, फिर जहाँ खालिद हैं वहाँ तक पहुँचते 3 घंटे का सफ़र होता है, वो इतना देर लगती है, वहाँ बैठना पड़ता है फिर इंतज़ार में कि अंदर लिस्ट जाएगी, वहाँ से नाम आएगा, फिर वो निकल जाएंगे, तो आधा 1 घंटा वहाँ लगता है, तो इतनी भीड़ होती है, इतने सारे लोग होते हैं, इन सब चीज़ों के दौरान मतलब एक 4-5 घंटे आप मान के चलिए, वो मुलाकात इतने सारे टाइम में सिर्फ मुलाकात होती है 10 से 15 मिनट, और वो मुलाकात तो नहीं होती। कोई तकलीफ आपको बताते हैं वहाँ के, क्या क्या परेशानियाँ हैं, और उनको क्या उम्मीद है मतलब सरकार से या कोर्ट है उनसे, न्याय से? देखिए सरकार ने तो खुद UAP लगा के अंदर बिठाया, तो आप सरकार से क्या उम्मीद लगाएंगे? सरकार से तो कोई उम्मीद है ही नहीं, क्योंकि सरकार ही चाहती है कि वो ना निकले बाहर, इसीलिए उनके ऊपर UAP लगाया गया है। न्यायालय से पूरी उम्मीद है, और अपने अल्लाह से पूरी उम्मीद है, और बेकसूर है, बाहर निकल के आएंगे इंशाल्लाह बाइज्जत बरी होके। लगभग 2.5 साल जेल जाए हो गया आपके पति को, तो किन किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है? देखिए पहले खालिद की परेशानियाँ हैं जो जेल के अंदर पंखे नहीं होते, पंखे बहुत हल्के चलते हैं, कूलर हैं पर उनको चलाना नहीं है, गीज़र हैं सर्दियों के लिए गर्म पानी के लिए, वो नहीं चलते, पानी 3-4 दिन में आता है पीने का भी, पीने के लिए पानी नहीं होता वहाँ पर, तो खाने के लिए अगर आपकी तबीयत ख़राब है, अगर डॉक्टर ने आपको कोई डाइट लिख के दी है तो आपको वो डाइट नहीं मिलती, खाने के नाम पर एक खिचड़ी खिलाते रहते हैं, कैंटीन्स दी गई हैं पर वो कैंटीन्स के अंदर सामान नहीं होता, तो अलग अलग तरीके की परेशानियां होती हैं, छत गर्म, पंखे की हवा गर्म, मतलब दाने शरीर पे, खालिद के इन्फेक्शन हो गया था पीछे, अभी रिसेंटली खालिद की बहुत ज़्यादा तबीयत भी ख़राब हुई थी, उनको डायबिटीज़ हो गई, डायबिटीज़ उनका 350 से ऊपर पहुँच गया था, फीवर था, लूज़ मोशन थे, वॉमिटिंग थी, 4 दिन से उनको खाना नहीं, कि जो खाना सबके लिए था वही खाना उनको दिया जा रहा था, वो उनसे खाया नहीं जा रहा था, डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, तो इन्हीं सब चीज़ों के दौरान उनकी तबीयत ख़राब हो गई। जी जैसे आपके बच्चे भी हैं तो वो तो पूछते होंगे ना कितना दिन से जेल में है, तो क्यों है जेल में, अब क्या बताते हैं फिर बच्चों को? मेरे दो बच्चे अपने अबू के साथ प्रोटेस्ट वगैरह में जाते थे, तो उनको अपने अबू को, उनको पता है कि उनके अबू क्यों जेल में हैं, उनको पता है ये बात कि उनके अबू किन लोगों के लिए किसके लिए आवाज़ उठाते थे, किस क्यों उठाते थे,
तो उनको अपने अबू के बारे में सब पता है और उनको उनको कोई शर्म नहीं है कि उनके अबू जेल गए हैं। वो एक मूवी देखी है बच्चों ने मेरे, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, तो अपने अबू को उस तरीके से देखते हैं जेल जाना, भगत सिंह की तरह की, वो जिस तरीके से देश के लिए जेल में गए थे, लोगों के अपने अपने लोगों के लिए जेल में गए थे। आपके बच्चे समझते हैं क्रांतिकारी आज के टाइम में, सुनिए आज के टाइम में भी एक आज़ादी हमें उस टाइम पे मिली थी 1947 में, पर आज जो आज़ादी के लिए हमारे लोग जो ये खालिद, उमर खालिद और शरजील और ये बाकी जितने भी लोग जिनको दंगाई बता के, टेररिस्ट बता के, आतंकवादी बता के जेलों में डाला हुआ है, वो अपने आप में एक क्रांतिकारी हैं। वो लड़ाई लड़ रहे हैं आपके हमारे बोलने के लिए, वो लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे, हम अगर सड़कों पे आके अपने लिए आवाज़ उठा सकते हैं, वो लड़ाई उसके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन लेकिन इस सब के बावजूद आपके पड़ोसी होंगे, चाहे वो गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, तो क्या समझते हैं आपको, किस लिए गए हैं खालिद? जिस मोहल्ले में रहते हैं उस वो जगह खालिद की पैदाइश की जगह है, 40 ईयर के खालिद हो रहे हैं तो 40 साल से वो वहीं हैं उसी मोहल्ले में। वहाँ पे मुस्लिम भी है, नॉन मुस्लिम भी है, सभी लोग उनको अपना हीरो मानते हैं, सबको उनके बारे में, उनके अखलाक के बारे में पता है। इंसान कहते ना एक बात कि इंसान चला जाता है उसके अखलाक कहीं नहीं जाते, तो वही चीज़ खालिद के साथ है। खालिद जेल में रहें या जेल के बाहर रहें, जिसको जो काम करना है वो वही काम। अच्छा, आपने एक चीज़ देखा होगा कि बिल्किस बानो की जो दोषी थे जी, जो उनको रिहा कर दिया गया जी, तो ऐसे लोगों को रिहा कर दिया जाता जो सबको पता है कि ये दोषी है, और आपके जो पति हैं आप कह रहे हैं कि मतलब दोषी नहीं है, फिर भी वो जेल में बंद है, तो आपको कुछ फर्क पड़ता है दोनों में अगर दोनों न्याय देखते हैं तो आपको क्या लगता है खालिद और ये सब लोग जेल में क्यों हैं? नहीं नहीं, वो सच की आवाज़ के लिए गए ना, हक की आवाज़ उठाने के लिए जेल में गए ना। लेकिन जो आरोपी वो हाँ, तो वही तो मैं बताना चाह रही हूँ आपको, अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठाओगे, खालिद जैसे लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो बिल्किस बानो के जिस गुनाहगार ही बाहर निकल के आएंगे ना। आज के टाइम में वक्त ही यही आया है कि बेकसूरों को, बेगुनाहों को और हक की आवाज़ उठाने वालों को उठा के जेल में डाला जाता है। ये वक्त 1947 से भी बुरा वक्त है, उस टाइम पे आज़ादी के लिए लड़े थे, और जब इस टाइम पे आप आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस टाइम पे आप लोगों को जेल में बेगुनाहों को डाला जा रहा है, और इस तरीके के जो जिन लोगों को सड़कों पे निकाल के पत्थरों से मारना चाहिए था, उन लोगों को आप इज्जत के साथ बाहर भेज रहे हैं, निकाल रहे हैं, और आप लोग उनको फूल माला पहना के बाहर निकाल रहे हैं। आप दूसरों को क्या संदेश दे रहे हैं इस चीज़ से कि आप रेपिस्टों को माला पहना के बाहर निकालेंगे? आप बलात्कारियों को और ज़्यादा क्या कहते हैं बढ़ावा दे रहे हैं? आपके हिसाब से वो आपके लिए महात्मा हैं वो लोग, और जो अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपने अपनी हक की आवाज़ उठा रहे थे, सिर्फ CNRC के लिए प्रोटेस्ट ही तो कर रहे थे, आप उनको 2.5 साल से टॉर्चर कर रहे हैं, मेंटली हैरस कर रहे हैं, आप दुनिया के सामने उनको एक देशद्रोही और आतंकवादी के रूप में पेश कर रहे हैं। इसी से जुड़ा सवाल है मेरा जी, जब बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा कर दिया गया और इसके बाद अभी जो जस्टिस बने हैं CGI, उन्होंने 2002 के सारे मामले बंद कर दिए और बाबरी डेमोलिशन के सारे मामले बंद कर दिए, ऐसे में क्या अभी भी आपको लगता है कि खालिद सेरिया जो राजनीतिक कैदी हैं उनको इंसाफ मिलेगा? देखिए, इंसाफ की बात तो इंसाफ तो मिलेगा, ये तो एक अलग चीज़ है, पर जो जिस तरीके से उनको रखा गया है, ठीक है, सरकार को भी पता है, मीडिया को भी पता है, और सभी लोगों को ये बात, जो जज बैठा है उसे भी, पुलिस को और सारे वकीलों को, सबको एक बात पता है कि ये लोग बेगुनाह हैं। बेगुनाहों को आप सता सकते हो, परेशान कर सकते हो, पर उनको ज़्यादा दिन जेल के अंदर रख नहीं सकते, और वो लोग जिस तरीके की आवाज़ उठाने के लिए अंदर गए हैं, इंशाल्लाह वो आवाज़ तो उतनी ही बुलंद रहेगी। अभी खबर आई थी कि जो खालिद सेठी हैं उनकी तबीयत ख़राब है, और जो जेलर है, जेल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ से उनको वेल ट्रीट नहीं मिल रहा है, या मेडिसिन वगैरह जो भी था, वो पूरा मामला बताइए क्या आपका। खालिद के एक कॉल आता है, खालिद का 5 मिनट का कॉल होता है, वो 3-4 दिन से उनका, मतलब उस टाइम पे जब उनकी तबीयत खराब थी तो कॉल नहीं आया था, तो मुझे लगा कि शायद कई बार खालिद बताते हैं कि वो कॉल है ना बंद हो जाता है, उसको वहाँ पर वोडाफोन करके कहते हैं तो ख़राब हो जाता है, तो मुझे लगा शायद उसी वजह से नहीं आ रहा होगा कॉल। तो फिर एक दिन अचानक से खालिद का कॉल आया, उनके साथ में एक लड़का था जो उनको पकड़ के खड़ा हुआ था, तो उनसे बात कर रहे थे, तो वो बोल रहे थे भाभी खालिद भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, वो सिर्फ आपकी वजह से यहाँ बोलने के लिए आए हैं आपको। और मैंने फिर उनको बोला कि मैंने कहा आप बताइए आपकी तबीयत को क्या हुआ, तो कह रहे 4 दिन हो गए खाना नहीं, हलक के नीचे उतरा है, क्योंकि जो खा रहा हूँ वो वॉमिट हो रही है, लूज़ मोशन हो रहे हैं,
डायबिटीज़ उनका 350 से ऊपर पहुंचा हुआ था, दवाइयां वहां पे है नहीं, डॉक्टर के नाम पर कंपाउंडर से भी 72 लोग बिठा रखे हैं वहां पर, जो कि आपको एक सही दवाई नहीं दे सकते। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप दवाई देख के ये बता सकते हो कि वो एक्सपायरी है, और अगर आप नहीं पढ़े लिखे हो तो वो एक्सपायरी दवाई भी खा जाते हैं। तो ये इस तरीके के हालात हैं वहाँ पर। तो उस वीडियो के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ इफ़ेक्ट हुआ, बहुत सारे लोगों के कॉल्स गए, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट करा, तो अभी इलाज चल रहा है।